फ्रेंड्स नमस्कार। सिंगार गौरी प्रकरण में आज राठी सिंह बनाम राज्य वगैरह में सुनवाई पुनः प्रारंभ हुई। पीछे जो है स्वर्गीय अभय एडवोकेट के मृत्यु के बाद नए अधिवक्ता आए हैं इस प्रकरण में। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अभी हाल में 2021 में राज्य गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी हस्तांतरण किया है। इससे साफ साबित है कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति साबित होती है तो यह मुकदमा नहीं चलेगा, और यदि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं साबित होती है तो यह मुकदमा सुना जाएगा। और इसी के साथ 1944 के गजेटियर में यह लोग नहीं बता पा रहे हैं कि किसका नाम है। तो इस तरीके से हिंदू वकील का कहना है कि यह फर्जीवाड़ा है, आप इस फर्जीवाड़े को अंदर देखते रहें। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ तौहीद भाई, जरा आप ज्ञानवापी के प्रकरण में आज कुछ प्रकाश डालिए, क्या क्या अदालत पे हुआ? ज्ञानवापी प्रकरण में आज जो सबूत कागजात बंदोबस्त और वक्फ बोर्ड द्वारा जारी सनद तौलियत वगैरह और दीन मोहम्मद का जो 1936 का केस था उस पर हाईकोर्ट की दी गई फाइंडिंग, ये सब सारी बातों को कोर्ट को अवगत कराया गया। और जो एक्शन डीड अभी 2021 में तहरी उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड से ली है, ये सब दिखाया गया कि सब ये सब सारे दस्तावेज ये इंगित करते हैं कि सब ये जायदाद वक्फी है और वक्फी संपत्ति है। क्योंकि अगर मेरी संपत्ति न होती तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमसे एक्सटेंडेड क्यों करती, जो है जो ट्रस्ट एक्ट बनाया उससे करती। तो इन सब कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई कि अगर वक्फ बोर्ड की नहीं थी तो 1993 में आपने लीज डीड क्यों वक्फ बोर्ड से लिखाया, फिर एक्सचेंज डीड वक्फ बोर्ड से क्यों लिखाया? हम मालिक नहीं थे तो क्यों उनसे एक्सचेंज किया आपने? नहीं, वो प्रॉपर्टी अलग थी जो एक्सचेंज हुई। नहीं नहीं, वो है, उसमें उसमें लिखा हुआ है कि ये संपत्ति मस्जिद की ही, मस्जिद पर वक्फ की गई संपत्ति है। वो पार्ट अलग है, वो लिखा गया एक्सचेंज डीड है, मकान अलग है, लेकिन हम जिसे कोई मकान अगर मस्जिद पर वक्फ कर रहे हैं वो कहीं भी रहे तो वो मस्जिद पर वक्फ करता, वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। तो आप इसे भी 9130 है उसका नंबर, और भी अराजियात उसमें तीन नंबर बताए जाते हैं, तीन अराजियात हैं। तो दो जो है गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया आपने? नहीं 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 नहीं, जब पर हम बयान नहीं देंगे, हम बयान का जो बजट है उसमें क्या दर्ज है? यही दर्ज है मस्जिद आलमगीर 100 नंबर बाकायदा वक्त नंबर 100 मस्जिद आलमगीर। ओनरशिप किसका है, ओनरशिप के बारे में क्या लिखा है उसमें? ओनरशिप नहीं लिखा है, शायद गजट में ओनरशिप नहीं होता, मस्जिद का नाम होता है, गजट में होता है, प्रॉपर्टी नंबर होता है, नंबर क्या नाम ये बताएं, जो एक्सचेंज किया जो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इसी नंबर पे है जिस पे मस्जिद है? उसका नंबर 8276 है, 8276 है। और इसका नंबर वो दर्ज है उसमें, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। तो कब्जा धारक है तो कब्जा धारक को हटाने के लिए अगर आपके साथ कोई लिखा पड़ी हुई तो आप मालिक तो हो नहीं गए ऐसा आपका कहना। कब्जा है, कब्जा तो गवर्नमेंट का था, कंट्रोल रूम चल रहा था उसमें, तो कब्जा तो कंट्रोल कहीं तो लेख में था, लेखनी में था, खसरा खतौनी में था, तभी तो ट्रांसफर हुआ। ये बताइए कोई फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति अगर हमारी संपत्ति आपकी संपत्ति पे अपना मालिकाना दर्ज कराता है तो क्या वो खारिज नहीं होता है? मालिक आप हैं, अगर गलत तरीके से उस भूमि पर आपकी प्रॉपर्टी हम अपना नाम दर्ज करा लें तो जब तक दर्ज है तब तक मालिक है, लेकिन उसके बाद वो फर्जी जो फ्रॉडिज्म है वो फ्रॉडिज्म ही रहेगा। तो जो फर्जी आप कह रहे हैं उसके खिलाफ आप कहीं गए हैं? भाई हम अब सारे जब तथ्य खुल के आ रहे हैं तब ना हम जाएंगे, ये तो पहले ये सभी आपके सामने अब आया है तो आप इसके खिलाफ जाएंगे। अब ये तो जो अराजी नंबर ये लोग देते हैं वह अराजी नंबर यहाँ से जो है 14 किलोमीटर दूर मलवाड़ी का अराजी नंबर है, जो कहते हैं कि यह ज्ञान की हालत है, आज भी कोई प्रमाणित दस्तावेज या कोई प्रमाण नहीं दिए। वो तो कह रहे हैं कि अराजी नंबर 100 में तीनों अराजी हमारी है, उनके कहने से क्या आपका कहना क्या? मलवाड़ी में कौन सी अराजी नंबर? जो दस्तावेज है जो अपना कहते हैं वो प्रमाण पत्र उसका प्रमाण पेश करते हैं और नाम इसका लेते हैं, जो कि पूरी तरह जो है धड़ी है। तो वो मड़ुआड़ी में जो आप बता रहे हैं वो कौन सा नंबर है? 1930 को 9130 का है जो है, और ये 9130 का कहते हैं ये भी है और ये लगाए नाम लेते हैं इसका, दस्तावेज करते हैं उसका जो है। और तो और जैसा आप स्पष्ट कर रहे ज्ञानवापी में पुलिस कंट्रोल रूम